खबर बल्ले जनपद से जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर चित्रगुप्त हाई स्कूल छिब्बी बलिया प्रांगण में नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। आपको बताते चलें कि स्वाधीनता आंदोलन के नायकों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद जैसे नारों से आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। नेताजी की जीवनी और कठोर त्याग आज के युवाओं के लिए बेहद ही प्रेरणादायक है। नेताजी का जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। उन्होंने सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने ही संबोधित किया था। जलियांवाला बाग कांड ने उन्हें इस कदर विचलित कर दिया कि वह आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। सुभाष चंद्र बोस की जयंती चित्रगुप्त हाई स्कूल छिब्बी बलिया के प्रांगण में रामजी लाल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मनाई गई। नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई व बच्चों ने विद्यालय प्रांगण में परेड कर सलामी दी। वहीं संचालन डॉक्टर आदित्य कुमार अंशु ने किया। अमन राजभर और रोमित ने गीत प्रस्तुत किए। पंकज श्रीवास्तव, पंचानंद यादव, शुभ नारायण सिंह, अशोक सिंह भोलाया, जयराम राय, राजू श्रीवास्तव, वंदना वर्मा, सिंपा जी आदि लोगों ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। बलिया जनपद से आशीष सिंह बिसेन की रिपोर्ट।